हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतने दिनों से व्लॉग्स क्यों नहीं अपलोड कर रही, क्योंकि 9th से मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब फाइनल एग्जाम्स। इसलिए तो मैं अपनी इस वीडियो में थोड़ी सी एग्जाम्स की रूटीन बताऊंगी। और मैं अभी मतलब घंटा डेढ़ हो गया स्कूल से, फिर अब मैं ट्यूशन जाने लगी हूँ और अपना बैग रेडी करती हूँ ट्यूशन के लिए। और ये जो बैग है ये मेरा रेडी हुआ है ट्यूशन के लिए। अब तो पेपर आ रहे हैं इसलिए मैं छोटा सा बैग लेके जा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है। और ये मतलब फ्री का नहीं, फ्री का नहीं मतलब मेहनत है। तो मैंने आई कैट्स का टेस्ट दिया था तो अच्छे मार्क्स आ गए, मिल गया थोड़े से लगे। और अब मैं जा रही हूँ ट्यूशन, ट्यूशन से आ गई हूँ। और अब मैं ट्यूशन से आ गई हूँ और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और मैंने अपने सैंडविच बनवा रही हूँ और वो खाती हूँ। फिर आपको अपनी रूटीन बताती हूँ एग्जाम्स की। और अब आ गए हैं मेरे बहुत गरम गरम टेस्टी से सैंडविच। बहुत मज़े के लगते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। मैं कभी कभी तो ज़रूर ही खाती हूँ। तो रेस्ट मैंने सारा कर लिया है, अपना खाना भी खा लिया, तो अब थोड़ी फ्राई कर लेते हैं। तो आज 7 है, कल 8 है और परसों 9 है। और 9 को मेरा पेपर है। सुबह मैं स्कूल से छुट्टी करूँगी और एग्ज़ाम की तैयारी करूँगी। ट्यूशन जाके 10 o'clock जाऊँगी ट्यूशन, सुबह 8 o'clock उठूँगी, 9 o'clock तक पढ़ूँगी। फिर 9 o'clock अपनी एक दोस्त के साथ जाऊँगी शॉप में पैदल वॉक करते, और सारी स्टेशनरी लेके आऊँगी एग्ज़ाम। और अभी मैं रात को सोने से पहले जो सारा इंपॉर्टेंट सारा काम होगा वो कर लूँगी। और थोड़ी स्टेप्स हैं जो आप एग्ज़ाम के वक्त मतलब फॉलो करें, जो कि जैसे बेड है और कोई भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल जगह है जैसे सोफ़ा वगैरह, तो उस पर बैठ के ना पड़े, उस पर आप थकने लग जाएंगे बहुत जल्दी। दूसरी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो रात को पढ़ के सोएं और खाना अच्छा खाएं, ईट हेल्दी। और लास्ट एग्ज़ाम वाले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के रिवाइज कर लेंगे, बस एग्ज़ाम से पहले नहीं, मतलब उस टाइम नहीं, उस टाइम भूलने लगेगा। और मैं ये नहीं कहूँगी कि शेड्यूल नया लंबा बड़ा था। आप लें 4-5 sticky notes, उन पर थोड़े कोई भी टाइम लिख लें जो आपके लिए ठीक होंगे पढ़ने के लिए, और वो किसी ऐसी वॉल पर लगाएं जिस पर हर टाइम आपकी नज़र पड़े, और जाके उनको देख के पढ़ना भी है, कुछ लगानी नहीं। लास्ट टाइम मेरी परसेंटेज इतनी कोई अच्छी नहीं आई थी, क्योंकि मैं ना ट्यूशन जाती थी, आती थी बस, और कुछ नहीं करती थी। वो फिर मेरी मम्मा भी कहती थी पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन मैं कहती थी मम्मा ट्यूशन गई तो हूँ, पढ़ लिया सारा कुछ कुछ भी, बस फिर जाके पेपर देती थी, पेपर से 10-15 मिनट पहले पढ़ लिया ऐसे। लेकिन अब मैंने इस बार सोचा कि ट्यूशन के आने के बाद भी पढ़ना है और पेपर से सुबह सुबह बहुत पहले मतलब भी पढ़ना है, क्योंकि ट्यूशन वाला इतना ज़्यादा मतलब घर में भी खुद आके पढ़ना है। और हमारे पास सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 100% 100% सिलेबस पूरी बुक खरीद के दे दी है। फिर भी कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे। मेरा नाजरा और प्रैक्टिकल दोनों हो गए, पेपर्स उनके मतलब ओरल हो गए। होप यू लाइक माई दिस व्लॉग। फॉर मोर टिप्स यू कैन ऑल्सो वॉच माई शॉर्ट्स। आई राइट सम टिप्स फॉर यू। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर।